तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पजल मीनिया विद अंकुर में। तो आज हम बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और हम ये भी देखेंगे कि 2020 की वैकेंसी जो हैं वो 2019 की तुलना में कम रही हैं, बढ़ी हुई हैं, तो और स्टेट वाइज कट ऑफ भी देखेंगे कि जो स्टेट वाइज 2019 में कट ऑफ रही है तो 2020 में कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो वैकेंसी जो है वो 2020 में 8000 वैकेंसी हैं, और जो हमारी 2019 में वैकेंसी थी वो 8500 प्लस थी। तो कहीं ना कहीं 2020 में जो वैकेंसी है वो कम हुई है, तो इससे हमारा जो कट ऑफ है उस पर कुछ ना कुछ असर होगा। और हमारी जो स्टेट वाइज वैकेंसी है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आई है। जैसे कि हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 2020 में जो वैकेंसी है वो 865 है, और 2019 में थी वो 1197 थी। तो 300 से 350 वैकेंसी यहाँ यूपी में सीधे सीधे कम हो गई हैं। और हमारी एमपी में जो वैकेंसी थी वो 2019 में 420 थी, इस बार 510 हैं। और हमारी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमारी जो वैकेंसी 2019 में थी वो 437 थी, और इस बार जो है वो 143 है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में वैकेंसी पिछली बार 2019 में 780 थी, इस बार 865, जो कि थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। दिल्ली और यूपी में वैकेंसी इस बार कम हो गई है। और हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो हमारी 2019 की है, ये जनरल की कट ऑफ है, तो जनरल की कट ऑफ जो 72.25 जो यूपी में रही है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी में 73.5 रही है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 71.25 रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 2019 में 62.25 रही है। जो हमारी कट ऑफ है वो दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और जो एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा रहा था, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो 10 times सिलेक्ट होंगे। अगर यूपी में 865 वैकेंसी हैं तो हमारे 8650 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी 72 से 74 रह सकती है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी में हमारी 71 से 74 हो सकती है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में थोड़ी सी बढ़ सकती है इस बार कट ऑफ, तो 73 से 76 दिल्ली की कट ऑफ हो सकती है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की आसपास ही रहेगी 61 से 64। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरे अटेम है वो 69 है, 70 है, 68 है, और मेरे साथ वालों के 80-85 है। तो ये आप सबसे पहले ध्यान दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे अटेम कम है, तो मैं मेंस की तैयारी तभी करूँगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेंस का जब प्री का रिजल्ट आएगा ना उसके बाद 15 से 20 दिन बचेंगे, आपका अगर हो जाता है प्री में तो आप उतने में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्री होने के जस्ट बाद आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। आपको ये भूल जाना है कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ शिफ्ट में मॉडरेट पूछी गई है, तो नॉर्मलाइजेशन पक्का होना ही है, तो आपके नंबर थोड़े बढ़ेंगे भी। तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके 70, 71, 72 अटेम्प्ट हैं, तो आप होप रखिए और मेंस के लिए तैयारी रखिए, जो कि आपका ऐसा नहीं है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है प्री में तो आपका मेंस की तैयारी करना बेकार रहा। आपका आने वाले जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें आपका मेंस की तैयारी जो आप किए हो वो आपका सीधे सीधे उन एग्ज़ाम में बेनिफिट करेगा। तो आप बिल्कुल होप रखिए कि आपके जो अटेम्प्ट हैं वो बिल्कुल आपका सिलेक्शन उसमें होगा, और हमें आप क्या कहते हैं मेंस की तैयारी करनी है। ये भूल जाइए कि मेरा मेंस मतलब मेरा प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। मेंस की तैयारी हम तभी करेंगे, क्या कहते हैं बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि रिजल्ट आएगा प्री का तभी हम मेंस की तैयारी करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका मेंस क्लियर नहीं होता, फिर उन लोगों का एक क्वेश्चन और हो जाता है कि हमारे मेंस नहीं निकल रहा है। मेंस ना निकलने की वजह यही है कि प्री का वेट करते हो आप, फिर मेंस की तैयारी करते हो, 15-20 दिन में मेंस नहीं निकलता है। इसलिए आप मेंस तभी तैयारी कीजिए जैसा ही प्री का रिजल्ट मतलब प्री का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करिए। और जो 19 अप्रैल को हमारा मेंस एग्ज़ाम है, आई होप आप 100% देंगे, और बिल्कुल आप रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा प्री नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारी कट ऑफ एक्सपेक्टेड थी, जरूरी नहीं कट ऑफ यही रहे, नहीं तो आप लोग बोलें कि सर इतनी कट ऑफ नहीं गई, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो प्री के रिजल्ट आने के बाद तो आपको कट ऑफ पता लग ही जाएगी कितनी कट ऑफ गई है। तो आप मेंस की तैयारी करिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।